हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई स्टार्टेड लेसन नंबर थ्री अवर न्यू पार्ट ऑफ ऑफ मेटल्स द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स यानी कि जो मेटल्स का जो सोर्स है वो हमें कहाँ से मिल रहा है अर्थ क्रस्ट में से मिल रहा है सी वाटर ऑल्सो कंटेंस सम सोल्यूबल सॉल्ट सच एज सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सरेटा यानी कि आपको जानते ही कि सी वाटर में से जो सॉल्ट मिलता है उसके अंदर से बहुत ज़्यादा जो परसेंटेज किसका होता है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का द एलिमेंट्स और अ कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट के बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स है जो नेचुरली हमें कहाँ से मिल रहे हैं अर्थ क्रस्ट में से मिल रहे हैं और अर्थ क्रस्ट में से जो कंपाउंड्स और जो एलिमेंट्स मिल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं मिनरल्स बोलते हैं एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेंस अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स यानी कि कुछ जगह पर जो मिनरल्स में से बहुत ज़्यादा परसेंटेज में हमें क्या मिल रहा है मेटल मिलता है एंड द मेटल कैन बी प्रॉफिट बाय एक्सरेटेड फ्रॉम इट यानी कि जो इसी मेटल को हम एक्सरेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा क्या है प्रॉफिट है दिस मिनरल्स आर कॉल्ड वर्स और इसी मिनरल्स को हम क्या बोलेंगे और बोलते हैं अक्रांस ऑफ मेटल्स क्या था कि मेटल का सोर्स कहाँ से मेटल का सोर्स कहाँ से मिल रहा है हमें मेटल बहुत ज़्यादा क्रस्ट में से मिल रहा है तो सी वाटर में से जो सॉल्ट्स मिलते हैं सोडियम क्लोराइड्स मैग्नीशियम क्लोराइड और जो एलिमेंट्स और जो कंपाउंड है वो नेचुरली क्रस्ट में से मिलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं मिनरल्स बोलते हैं इसी जो मिनरल्स में से कुछ जगह में बहुत ज़्यादा परसेंटेज में मेटल्स भी मिलते है. और इसी मेटल को एक्सरेटेड करने के लिए हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है और इसी मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं और बोलते हैं अभी फर्स्ट टॉपिक है थ्री पॉइंट फोर पॉइंट वन एक्सट फ्रॉम मेटल्स तो लर्न अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल यानी कि हमने रिएक्टिविटी सीरीज मेटल के बारे में हमने लर्न किया है हैविंग दिस नॉलेज यू कैन हीजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सरेटेड फ्रॉम इस ओर यानी इसी नॉलेज की वजह से आप बहुत ज़्यादा इजी से समझ सकते हो कि जो मेटल्स का जो एक्सट्रैक्ट किस और में से किस तरह से कर सकते हैं तो सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्क क्रस्ट इन द फ्री स्टेट यानी कि बहुत ज़्यादा एस कुछ मेटल्स हमें अर्थ क्रस्ट में अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट फ्री स्टेट में मिल जाते हैं सम आर फाउंड इन अ फॉर्म देयर कंपाउंड्स यानी कुछ मेटल्स को हमें क्या करना होता है उसके कंपाउंड्स में हमें फाउंड करना होता है द मेटल्स एट द बॉटम द एक्टिविटी सीरीज आर द लीस्ट रिएक्टिव यानी कि जो बॉटम में रहने वाले के जो मेटल्स है उसकी जो रिएक्टिविटी है वो वो रिएक्टिविटी क्या होती है बहुत कम होती है तो समझाते कि लास्ट मोमेंट लास्ट में जो मेटल्स मिलते हैं लास्ट में कौन कौन आता है सिल्वर और गोल्ड उनकी जो रिएक्टिविटी है वो वो क्या होती है बहुत कम होती है जो ये रिएक्टिविटी सीरीज में हमें देख के आए दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट और वो हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम स्टेट से ऐसे में हमें मिलते है? तो प्लेटिनियम और कॉपर कॉपर एंड सिल्वर आर फाउंड इन कंबाइंड स्टेट देर सल्फाइड और ऑक्साइड और कॉपर और सल्वर जो सिल्वर है कॉपर और सिल्वर जो है वो हमें उनके जो कंबाइंड स्टेट में भी हमें सल्फाइड और ऑक्साइड के ओर में भी मिले जाते मिल जाते हैं द मेटल्स एट द टॉप एक्टिव सीरीज जस्ट लाइक पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम आर सो रिएक्टिव दैट दे आर नेवर फाउंड इन नेचर एज अ फ्री एलिमेंट्स यानी कि जो मेटल्स में से जो रिएक्टिविटी वाले से जो टॉप रिएक्टिविटी है टॉप रिएक्टिविटी में कौन कौन से आ रहे हैं पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम ऐसे जो मेटल्स है वो हमें फ्री स्टेट में मिलते नहीं हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है फाउंड करना पड़ता है द मेटल्स इन द मिडल रिएक्टिविटी सीरीज जस्ट लाइक जिंक आयन लीड और कॉपर ऐसे जो मेटल है मॉटल जो बीच वाले हैं जो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है दे आर फाउंड इन और क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट्स तो हमें वो किस फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिलते हैं ऑक्साइड सल्फाइड और कार्बोनेट्स के और के तौर पे हमें वो मिल जाते हैं वी विल फाइंड दैट द ओर ऑफ मैनी मेटल्स आर ऑक्साइड यानी कि जो आपने देखा होगा कि जो ओर में से मेटल्स किस फॉर्म में मिलते हैं बहुत ज़्यादा ऑक्साइड फॉर्म में मिलते हैं दिस इज द बिकॉज ऑक्सीजन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट एंड इज अ वेरी एबेंडेंट ऑन द अर्थ यानी कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रिएक्टिव होने के बाद मेटल के साथ मेटल ऑक्साइड बना जाता बन जाता है इसकी मदद से और ऑक्सीजन की जो वैल्यू अर्थ पे वो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से जो मेटल्स अर्थ क्रस्ट में बाहर आने के बाद हमें किस फॉर्म में मिलते हैं मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं थर्स ऑन द बेसिक रिएक्टिव वी कैन ग्रुप द मेटल्स इंटू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज थ्री पॉइंट नाइन पॉइंट वन यानि कि इसी वजह से मेटल को हमने थ्री थ्री कैटेगरी में क्या किया हुआ है इन लोगों ने डिवाइड किया हुआ है तो फर्स्ट फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ मेटल मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी इन थ्री कैटेगरी में हमने क्या किया मेटल को डिवाइड किया हुआ है तो फर्स्ट देखो यहाँ पर मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी सेकंड मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू तो बी ऑप्टिंग द मेटल्स फॉलोइंग इन इज इन इज कैटेगरी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक की मदद से इनको मेटल्स को हमने थ्री कैटेगरी करी में क्या किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है सर्वल स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम ओर्स यानी कि हमें और में से प्योर मेटल चाहिए तो कुछ हमें एक्टिविटीज रिएक्टिविटी हमें करनी है समरी ऑफ दिस स्टेप्स इज अ गिवन इन थ्री पॉइंट टेन इस स्टेप्स इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन द फॉलोइंग सेंक्शन यानी कि वन बाई वन देखो यहाँ पर ओर तो ओर में से हमें जो मेटल्स मिल रहे थे उसको मेटल में से वो हाई है लो है या मिडल वाले है तो उस ओर में हमें क्या करना है उस मेटल के ग्रुप में हमें रखना है जैसे कि मान लेते कि मेटल की जो लो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल है और में से मिले तो उसको उसकी फर्स्ट प्रोसेस कौन किस फॉर्म में मिलेंगे उसको हम सल्फाइड और उसके बाद हम क्या करेंगे रोस्टिंग करेंगे उसके बाद मेटल और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे रिफाइनिंग करने के रिफाइनिंग करने के बाद हमें प्योर मेटल मिलेगा और जो बीच वाले जो मिडल वाले तो मिडल वाले हैं तो उसमें हमें दो और में मिलते हैं एक कार्बोनेट और एक सल्फाइड और तो कार्बोनेट और में जो उस कार्बोनेट और में जो भी मेटल्स मिलते हैं उसको हम क्या करेंगे उसको हम क्या करेंगे कैल्सियसन करेंगे और जो सल्फाइड में है उसको हम क्या करेंगे रोस्टिंग करेंगे अब जब भी कैल्सियसर और रोस्टिंग होने के बाद जो ऑक्साइड ऑफ मेटल मिला है और ऑक्साइड ऑफ मेटल का हम क्या करेंगे रिडक्शन टू मेटल यानी कि उसके अंदर से जो ऑक्साइड है वो क्या करेंगे निकालने के बाद हमें किस फॉर्म में मिलेगा मेटल और मेटल जो मिलने वाले मिलने के बाद हम क्या करेंगे उसका प्योरिफिकेशन करेंगे और प्योरिफिकेशन करने के बाद ही हमें प्योर मेटल मिलेगा और जो हाई रिएक्टिविटी वाला जो मेटल है उसको हम क्या करेंगे फील पहले तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एयर यानी कि पहले फर्स्ट हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में से पार करने के बाद तभी हमें हमें क्या मिलेगा प्योर मेटल मिलेगा तो ये वन बाय वन ये ये तो उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक मेथड थी और सारे के सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक मेथड है अदरवाइज़ पीछे ही पेजेस में हम सारे के सारे जो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है वो वन बाय वन हम लर्न करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि और का जो स्ट्रक्चर है तो और का जो देखो यहाँ पर कॉन्सट्रेशन ऑफ और उसके बाद जो मेटल्स और में से जो मेटल्स मिल रहे हैं तो मेटल मिलने के बाद उनको थ्री ग्रुप में डिवाइड किया एक हाई मिडल और लो लो में उसकी फर्स्ट प्रोसेस कौन सी है सल्फाइड और उसके बाद उन्होंने सल्फाइड और में से क्या किया उन लोगों ने रिहोस्टिंग किया रिहोस्टिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया मेटल्स मेटल metal जो मिला उसको क्या किया इन लोगों ने रिफाइनिंग किया रिफाइनिंग करने के बाद ही आपको क्या मिलेगा प्योर मेटल मिलेगा जो मिडल्स है तो मिडल रिएक्टिविटी में से दो फॉर्म में मिलते एक तो कार्बोनेट और और एक दूसरा सल्फाइड और तो जो कार्बोनेट और में जो मेटल मिल रहा है उसको कौन सी प्रोसेस करनी होगी कैल्सियनसर और जो सल्फाइड और में मिल रहा है उसको तो हमें मालूम है रियोस्टिंग और जो कैल्सियनसर रियोस्टिंग प्रोसेस होने के बाद जो मिल रहा है मेटल का उन लोगों ने क्या किया ऑक्साइड ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑफ मेटल करने के बाद इन लोगों ने क्या किया रिडक्शन ऑफ मेटल रिडक्शन मेटल ऑफ करने के बाद लास्ट कौन सी प्रोसेस की इन लोगों ने प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल अभी जो हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल उनको पहले फर्स्ट किया कि इन लोगों ने इलेक्ट्रोक्लिस ऑफ इलेक्ट्रोकलिस ऑफ मोल्टेन और उसके बाद प्योर ऑफ़ मेटल तो फर्स्ट ये हमारा मोस्ट टाइम भी था एक्सट्रेशन ऑफ मेटल तो एक्सट्रेशन ऑफ मेटल हम इन लोगों ने फर्स्ट थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया हाई लो और मीडियम तो जो बहुत कुछ मेटल्स है तो अर्थक्रस्ट में स्प्री स्ट्रीट में मिल जाते हैं और बहुत लोगों को जो मेटल्स है उनके कंपाउंड पे फॉर्म में मिलते हैं द मेटल्स ऑफ दॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर ललीस रिएक्टिव यानी कि जो लास्ट में जो रहने वाले जो मेटल्स हैं उनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो क्या होती है बहुत कम होती है और वो जो बहुत कम जो रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स है वो हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं कौन कौन से एग्जांपल है गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम और कॉपर जो ऐसे जो मेटल जो हमें फ्री स्टेट में मिल जाते हैं उसके बाद जो उसके बाद जो टॉप वाले टॉप वाले में कौन से पोटेशियम सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे जो एलिमेंट है वो हमें कभी फ्री स्टेट में नेचर में मिलते नहीं हैं बट जो मिडल वाले हैं वो हमें दो फॉर्म में मिलते हैं ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में और ऑक्साइड और सल्फाइड के फॉर्म में मिलने के बाद उनका क्या करना पड़ता है हमें मेटल ऑक्साइड करना पड़ता है और जो मेटल मिल रहा है वो फर्स्ट मेटल जो अर्थ क्रस्ट में जो भी मेटल मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा मेटालिक ऑक्साइड के फॉर्म में तो मेटालिक ऑक्साइड के फॉर्म में क्यों मिल जाते हैं क्योंकि क्यों जो उसके जो अंदर आजकल एटमोसफेयर में जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन बहुत उसका ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादा रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टेंट है इसकी वजह से जो मेटल्स मिल रहे उसके बाद एक लेयर बन जाएगा कि किसका लेयर बनेगा मेटालिक ऑक्साइड का तो ये था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल अभी सेकंड है इन अरेंजमेंट ऑफ ऑर्स द ऑर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर यूजली कंटेमिनेटेड विद द लार्ज अमाउंट ऑफ सच एज सॉइल एंड सैंड एक्सटा यानी कि जो हमारे अर्थ क्रस्ट में जो भी मेटल के साथ मिल रहा है उसके साथ सैंड सॉइल बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ भी साथ में होती है और उसको हम क्या बोलते हैं कॉल्ड गैंग यानी गैंग की डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम में आ जाती है कि जब आप अवर और माइंडेड यानी कि जब भी आप अर्थ पे कब खोदाई करते हैं तो खोदाई करने के बाद आपके अंदर से जो बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में इम्प्योरिटीज़ यानी इम्प्योरिटीज मिलती इम्प्योरिटीज़ में कौन कौन से सैंड सॉइल एक्सेट्रा उसको हम क्या बोलते हैं गैंग द इम्प्योरिटीज मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द और प्योर टू द एक्सटेशन ऑफ द मेटल और इसी इम्प्योरिटीज़ को हम रिमूव करने के बाद हमें क्या मिलता है प्योर मेटल मिलता है द प्रोसेस इज़ यूज़ फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ओर आर बेज ऑन द डिफ्रेंसेज बिटवीन द फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग एंड द ओर यानी कि जो आपके जो द प्रोसेस यानी कि द प्रोसेस इज़ यूज फॉर रिमूविंग द गैंग यानी कि जो प्रोसेस आप कर रहे हो गैंग को रिमूव करने के लिए यानी कि जो इम्प्योरिटीज़ उसको रिमूव करने के लिए जो फ्रॉम द और और में से जो भी आपको मिला है उनमें से आप इम्प्योरिटीज़ दूर कर रहे हो आर बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन यानी कि उनके बीच में कुछ डिफरेंस बिटवीन है किस किस का तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द गैंग यानी कि आपको उसको गैंग में आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सा गैंग में इम्प्योरिटीज किसके लिए किस किस प्रॉपर्टीज में जल्दी से वो इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती तो किस में से फिजिकल प्रॉपर्टीज से या केमिकल प्रॉपर्टीज से तो उस प्रॉपर्टीज को यूज करने के बाद ही आपको प्योर मेटल मिलेगा एंड डिफरेंट सेपरेशन ऑफ टेक्निक्स आर अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय यानी कि इसी प्रमाण इसी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक क्या करनी पड़ेगी यूज यानी अप्लाई करनी पड़ेगी तभी जाके आपको प्योर मेटल्स मिलेगा तो ये हमारा था फर्स्ट एक्सट्रेस बेटल और लैस था इन एरेंजमेंट ऑफ और इन एरेंजमेंट वॉर में क्या करते कि ये लोग जो अर्थ क्रस्ट में जो हमें मिल रहा है तो और में से जो भी मिल रहा है उसमें क्या होती है इम्प्योरिटीज़ होती है और इम्प्योरिटीज़ को हम क्या बोलते हैं सैंड ऑयल को इसको हम क्या बोलते हैं गैंग और गैंग को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निक की ज़रूरत होती है उसी टेक्निक में कौन कौन से डिफरेंस की टेक्निक की ज़रूरत होती केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने के बाद आपको जो गैंग रिमूव करो, करोगे गैंग रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा प्योर मेटल मिलेगा तो ये हमारी था इन एरिजमेंट ऑफ ऑर्स